अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ बीफ सैंडविचेस। ये बहुत इजीली बन जाते हैं और इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने बीफ लिया है और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। लहसुन अदरक और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के मैंने इनको बॉईल कर लिया। उसके बाद मैंने श्रेड कर लिया। ये एक कप बॉयल बीफ है, इसको मैंने श्रेड कर लिया। अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ और 1 पिंच सॉल्ट और 1 पिंच ब्लैक पेपर, और इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे। 4 टेबल स्पून मेयोनीज़, 1 कप बीफ और 1 पिंच सॉल्ट और 1 पिंच ब्लैक पेपर, इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये एक मिक्सचर बन जाएगा। फिर इसको हम ब्रेड स्लाइसेस में अप्लाई करेंगे। ब्रेड स्लाइसेस लिए, इस पर मैं स्प्रेड कर रही हूँ, मिक्सचर मैं स्प्रेड कर रही हूँ, इस पर इवनली स्प्रेड करेंगे। और फिर इसके बाद हम एक और स्लाइस रख देंगे। इवनली स्प्रेड कर दिया, अब इसके बाद एक और स्लाइस रख रही हूँ और इस स्लाइस पे मैं चिली गार्लिक सॉस स्प्रेड करूँगी। ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है, ये इस पर हम स्प्रेड करेंगे। इसके बाद मैं इस पर टोमेटो स्लाइस और कुकम्बर स्लाइसेस रखूँगी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं रखिए। ये टोमेटो स्लाइस और कुकम्बर स्लाइसेस, और फिर इसके बाद हम इसकी साइड्स, फिर इसके बाद हमने एक और स्लाइस रखा और इसके बाद हम इसकी साइड्स कट कर रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये सैंडविच बन जाता है। इसको आप नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। और फिर हम इसकी बीच से साइड्स कट करेंगे। होप टू लाइक दिस वीडियो एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू व्यूअर्स।